खेसारी लाल के इवेंट में क्यों नहीं गए प्रियांशु सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार, इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, आज खेसारी लाल यादव का एक नया गाना आप सभी के बीच रिलीज हुआ था, जिस गाने का नाम है कमर डैमेज। खेसारी लाल यादव के इस गाने को लेकर आज पटना में इवेंट भी रखा गया था और इवेंट में बहुत सारे यूट्यूबर लोग पहुंचे थे और जो लोग गाने में काम किए हैं वो लोग भी गए थे इवेंट में। लेकिन खेसारी लाल यादव के गाने के इवेंट में प्रियांशु सिंह पता न क्यों नहीं गए थे, जो कि प्रियांशु सिंह को भी बुलाया गया था बट प्रियांशु सिंह ने वहाँ पे नहीं गए, जो कि प्रियांशु सिंह पटना में ही थे फिर भी खेसारी लाल यादव के इवेंट में नहीं गए। और खेसारी लाल यादव ने मंच के माध्यम से प्रियांशु सिंह का नाम भी लिया है, जो कि आप लोग इस वीडियो में सुन सकते हैं। अब बात रही क्या रीजन हो सकता है प्रियांशु सिंह खेसारी लाल यादव के इवेंट में नहीं गए। तो दोस्तों, इसका कई सारा रीजन हो सकता है जो कि प्रियांशु सिंह खेसारी लाल यादव के इवेंट में नहीं गए। प्रियांशु सिंह हाल ही में एक नया स्टूडियो खोले हैं, उसका उद्घाटन था और खेसारी लाल यादव की टीम से कोई नहीं गया था। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि खेसारी लाल यादव शायद आज भी बोलते पवन सिंह के बारे में, इसीलिए प्रियांशु सिंह नहीं गए। हाँ, तो दोस्तों यही रीजन हो सकता है या कोई और दूसरा रीजन हो सकता है जो कि प्रियांशु सिंह ने खेसारी लाल यादव के इवेंट में नहीं गए। और प्रियांशु सिंह एक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जो कि खेसारी लाल यादव के आज वाले गाने में म्यूजिक दिया है। बाकी इसके बारे में आप सभी का क्या कहना है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।